सबसे बड़ा ग्राउंड पे हम लोग आ चुके हैं। वह अंडा बच्चा सही था वो थी। तो बहुत बड़वार जहाज है वो। तो भाई यहाँ पे दिल देखने आया था, भाई का दिल जो है टूट गया देखने पाया था। चिल्लाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल चिल्लाए। मैं घर से जब निकली, राजापुर मेरा घर है, पूरा इलाहाबाद सड़कों पे दिख रहा था। सही कह रहे हैं, बहुत मजा करे। भूख लग गई है सब लोगों को आंटी जी। आज इंडिया के सबसे बड़ा ग्राउंड पे हम लोग आ चुके हैं। एक बार कैमरा मैन 16 लाख दर्शक को दिखाओ, खचम खच भरे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद ले रहे हैं। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, दर्शक जितने भी हैं कैमरा मैन के सामने रहो, जल्दी वहां से हटो, उधर तुम लोग मत रहो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। वह अंडा बच्चा सही था वो थी। हुआ देखा वो पापा गवा है कुछ पिछवा उनके लड़के वही 4-5 छो। तो बहुत बड़वार जहाज है वो। ए तने हमें गोंडा छोड़ दो बैठा है कोई मां। जय माता, जय माता, जय माता। आगे भाई मेरा भी चैनल है यार, मुझको भी सब्सक्राइब कर देना। भाई मेरा भी चैनल है यार, मुझको भी सब्सक्राइब कर देना। आया है, आया, बहुत अच्छा लगा है। आया है, आया, बहुत अच्छा लगा है। अरे कैसा लग रहा है आप लोगों को भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रुको जरा, सब्र करो। सब लोग हैं भाई, सब लोग फ्री का शो देखने को मिल रहा है यहाँ। नहीं 50 रुपये पेट्रोल लगा है हमारा, नहीं 50 रुपये पेट्रोल लगा है हमारा। आंटी जी लाई, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हमको भी दे दीजिए। बेटा पढ़ जाओ यार सामने से हटो, बेटा पढ़ जाओ यार सामने से हटो। अरे भैया हट जाओ, हट जाओ भैया, रिकॉर्ड करने दो, रिकॉर्ड बाद में कर लेना भाई। अंकल जी कह रहे हैं रिकॉर्ड करने दो, पहले बाद में देख ले लीजिए, ले लीजिए सारा कार्यक्रम। अरे नहीं नहीं, सारा कार्यक्रम ठीक। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। अंकल जी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, कहे भैया सामने पहले हटो, जल्दी जल्दी यहाँ से हटो और पहले हमको वीडियो बनाने दो। पापा खो गए, देखिए बच्चे के पापा खो गए भैया इस महाकुंभ के भीड़ में। हम भी देखना है कैसे 300 करोड़ का जो है बर्बादी हो रही है। अच्छा बर्बादी किया जा रहा है। तो भाई लोग मजा आया इस शो को देख के? मजा आया भाई, रिहर्सल में ज्यादा मजा आ रहा था, इसमें जो दिखाया गया वो उस तरह दिखाया नहीं गया। नहीं नहीं दिखाया गया है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा हमें कम इसमें लगा। अच्छा। इसका जो मेन फ्रंट है ना वो तो संगम है, जो भी कर्तव्य होता है। और एल दो दिया गया था, दो जगह हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हालांकि बहुत ही कम मजा आया। और रिहर्सल शो जब चल रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उस टाइम बहुत ही बढ़िया लग रहा था, भीड़ भी कम थी और अच्छा दिखा भी रहे थे कलाकारी। और आज ना कोई दिल बनाया ना कोई कलाकारी दिखाई गई। तो भाई यहाँ पे दिल देखने आया था, भाई का दिल जो है टूट गया देख नहीं पाया था। दिल दिखाई नहीं। अरे बनता है बढ़िया दिल, दिल बना भी होगा ना वो, तो वो सामने से दिखा होगा, मैंने देखा संगम पे जाके। शो खत्म होने के बाद यहाँ पे भूख लग गई है सब लोगों को आंटी जी। शो खत्म होने के बाद यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये बताइए शो कैसा लगा? खा लीजिए आंटी जी, शर्मा रही हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए, अच्छी बात है। हाँ शो खत्म हो गया दर्दी, अब नहीं होगा। हाँ भीड़ चली जाए। हाँ भीड़ चली जाए, सही बात, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी रोड पे। उस स्कूल के बच्चे भी आए थे, अब लाइन लगा के ये लोग जा रहे हैं अपने घर। मास्टर जी गुस्सा हो रहे हैं, हाथ नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखो, खो जाओगे कुंभ के मेले में। हाँ भी देखिए ये कह रहे हैं कि हमारा ब्लॉग देख के आई थे, आप हमारा ब्लॉग देख के आई थी? बहुत मजा आया, हम लोग तो बहुत मजा करें, उम्मीद है अगला ईयर फर्स्ट डे जब आएगा तब हम लोग फिर से देखेंगे जितना मजा आज की अगली बार भी करेंगे। खूब मजा करो और फूलो फलो। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, कोई फील आया होगा? कोई सब नहीं, चिल्लाई है कि नहीं? लड़ाकू विमान की भैया जब आवाज़, जब कोई भी एयरप्लेन जब निकलता है तो उसकी भाई आ ही जाता है मोमेंट। इसीलिए हम लोग आए भी थे कि पता नहीं फिर कब मिलेंगे।
काफी पब्लिक आई है, लाखों संख्या में तो यहाँ पे पब्लिक दिखी है। कुंभ मेले से ज्यादा पब्लिक है, सही कह रहे हैं। तो भैया लोग आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको शो देख के? भैया हम लोग का लाइव का पहला ही है और केवल इसके पहले हम लोग टीवी में ही देखे ना ब्रदर। हाँ, एकदम अद्भुत अलौकिक था। जितने भी हेलीकॉप्टर थे या फिर एयरक्राफ्ट था, बहुत यूनिक था, ऑल द बेस्ट था ये। और इलाहाबाद के लिए तो बढ़िया ही था, सही बात है। कुंभ के मेले के अलावा ऐसी भीड़ यहाँ दिखती ही नहीं। ये तो कुंभ आज से पूरा फील करा दिया। पूरा भैया पूरा कुंभ बोला, पूरा पूरा इलाहाबाद सड़कों पे दिख रहा था। सही कह रहे हैं। तो मैडम लोग आप लोग बताइए, आप लोगों को एयर शो देख के कैसा लगा, जो भी यहाँ पे कर्तव्य हुआ? बहुत ज्यादा, इट वाज सो ब्रेथ टेकिंग, एडवेंचरस, एक्साइटिंग, वाओ, थ्रिल, सो मच थ्रिल। प्रयागराज में नीचे गंगा बह रही, ऊपर ये शो हो रहा था, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, yes, yes, इतना अद्भुत का परचम, इतना अद्भुत था। तेजस, अग्नि, चॉपर वगैरह देख के इतनी खुशी हुई। वी वर ऑल द टाइम शाउटिंग, गला बैठ गया है। पानी पी लीजिए। वही कम, चार पांच बोतल। लोगों को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुई थी? बहुत दिक्कत तो थोड़ी मोड़ी हुई थी। मैं घर से जब निकली, राजापुर मेरा घर है, जब मैं घर से निकली स्कूटी से मैं आ रही थी। अच्छा, स्कूटी आपकी कहाँ है? हाँ, स्कूटी मेरी दूर खड़ी है, 200 मीटर पहले दूर खड़ी है, तो मैंने वहीं स्टैंड पे लगा दिया। तो मैं जब घर से निकल रही थी तो इतनी ज़्यादा भीड़, सब भीड़ में इकट्ठे पैदल, हाँ पैदल सब चले जा रहे थे। नहीं, हमें लगा कि यहाँ तो छूट गया, अब हम नहीं देख पाए। और मेरा मन हमेशा हो रहा था, मैं जैसे यहाँ मेडिकल चौराहा मैं क्रॉस की, मेरा मन किया कि मैं लौट जाऊँ घर, इतनी भीड़ देख के। फिर लगा नहीं, सब पैदल जा रहे हैं, मैं स्कूटी से भी नहीं जा सकती। फिर मैं धीरे 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 आई, फिर चार पांच जगहों पे ऐसा लगा मैं घर वापस लौट जाऊँ, फिर आई, मैं आ गई फाइनली। और यहाँ आके फिर लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ मैं आ गई, डिसीजन अच्छा था, डिसीजन अच्छा था, ये नहीं है। चलिए फिलहाल यहाँ पे काफ़ी लोग भैया देखिए, अरायल घाट यहाँ पे जो है खाली हो चुका है, लेकिन भैया पब्लिक यहाँ पे अभी भी हजारों की संख्या में है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से भीड़ सब जाए तो फिर हम निकलें, क्योंकि रोड पे ना अभी बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है, निकलने का जगह नहीं है। बहुत अमेजिंग लगा, हम लोग यहाँ आए संगम पे, हमने जो है एयरफोर्स का जो बाईपास देखा फाइटर जेट्स का, काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सबके लिए, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भाई साहब अभी अरायल घाट का ये नज़ारा देखो, कितना यहाँ पे जो है घाट पूरा गंदा हो गया है, बोतल वोतल सब पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग जो लोग एयर शो देखने के लिए आए थे, गर्मी की वजह से भाई सब लोग नहाने लगे हैं। भाई देखो एयर शो देखने आप लोग आए थे, भाई जो है काफ़ी लोग भाई ऐसा ही इंजॉय कर रहे हैं ये देखो। और अभी देखिए शाम के बज रहे हैं 5:30 और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे और काफ़ी भीड़ कम हो गया है। अभी रेल कार्ड जो है पूरा कूड़ा हो गया है, क्योंकि सारी बोतल देखो कितनी सारी बोतलें हैं यहाँ पे जो है, पानी का बोतल बेच रहे भैया, लोगों को बहुत सुविधा मिली है इस चीज़ से। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर इतना सुंदर प्रदर्शनी इतना सुंदर प्रदर्शनी हमने कभी लाइव नहीं देखा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस अब सही ये बताइए, आज आपकी बिक्री कितनी को हुई होगी? बिक्री हमारे का 9-10 हज़ार की। 9-10 हज़ार की अंकल जी ने जो है सप्लाई कर दिया, लेकिन अच्छा काम किए हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी भैया यहाँ पे, पानी के लोगों को ज़रूरत भी थी, और इस वजह से देखिए यहाँ पे अंकल जी बोतल लगा करके भैया बेच रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब अरायल घाट हम चलते हैं, और भैया अभी शाम के जो 6 बज गए हैं और आंटी जी हमें फिर से मिल गए हैं। देखिए नहीं नहीं, आप खाइए। अच्छा गर्मा गर्म है। हाँ, और आंटी जी का लगता है जाने होने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। एयर शो खत्म हो गया फिर भी आप यहाँ पे बैठे हैं, अब शाम का संगम। गाड़ी सही है? गाड़ी सही है जी, गाड़ी निकल नहीं सकती ना, बहुत भीड़ है इधर भी, इधर भी एक खड़ी है। और हमको यहाँ पे गर्मा गर्म जो टिक्किया दे दी है तो खाते हैं। रोड पे ना बहुत ज़्यादा पूरा जाम लगा हुआ है, बाइक या फिर गाड़ी निकल नहीं पा रही है, इसकी वजह से आंटी जी लोग सोच रहे हैं कि पहले भीड़ निकल जाए। अरे बहुत बड़ा देखिए यहाँ पे आंटी जी लोग यहाँ पे बढ़िया जलेबी ले लिए हैं भैया, कहाँ मिले आपको ये? भैया यही पास बगल में ही था, लेकिन बहुत मुश्किल से मिली, बहुत भीड़ थी। चलिए आंटी जी बोली कि बेटा खा लो, चलो खा भी लेते हैं थोड़ा सा।
आनंद लीजिए ना इधर गंगा जी के किनारे बैठ के, संगम के किनारे बैठ कर खाने का पीने का। एयर शो तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन तपस्या भी करनी पड़ी धूप में। हम लोग बहुत देर तक खड़े, आप लोग कितने बजे आए थे? हम लोग यहाँ 1 बजे आए, 1 बजे और दोस्तों अब जाके थोड़ा सा जो है भीड़ खाली हुआ है, अब यहाँ से हम इधर ले लेते हैं भैया खाली रोड पे। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो देख के कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट करने में मुझे टाइम लग गया, क्योंकि इस वीडियो को पार्ट जो है ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस वीडियो को किस तरीके से बनाऊं। और फाइनली जैसे प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जा रहा था, और भैया महाकुंभ से भी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आई थी, आप लोगों ने तो पूरा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरी 2-3 वीडियो और देख लेना जो 18 मिनट की है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई कितने दूर दूर से पब्लिक लोग आए थे और 10 बजे पहुँच गए थे 8 तारीख को एयर शो देखने के लिए। पूरा मैंने वीडियो बनाया 18 मिनट का, आप लोग उसको देखना, पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जितनी प्लेनें यहाँ पर करतबबाजी हुई थी ना, सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अब प्रयागराज में भैया ऐसा एयर शो पता नहीं कब मनाया जाएगा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एंजॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे लोगों को यह एयर शो देख करके मज़ा तो बहुत आया होगा, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी हुई क्योंकि उस टाइम में आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, चाहे संगम पे हो चाहे अरैल पे हो, एकदम पूरा जाम लगा हुआ था एकदम तगड़े से। बाकी मेरे चैनल पर आपको मस्त मस्त कंटेंट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। हमारे प्रयागराज में हो रहे दादीकांदो मेला, दशहरा मेला सब चालू हो गया है, आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। हमारा लाइफस्टाइल ब्लॉग मिलेगा आपको, ट्रैवल ब्लॉग भी मिलेगा आपको, मस्त मस्त ब्लॉग देने की हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। बस अपना प्यार ऐसे जैसे सपोर्ट आप लोग अभी तक दिए हैं ना, बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी चलिए, इस वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।